हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे संदीप महेश्वरी ग्रेटेस्ट स्पीच अबाउट अल्लाह, मोटिवेशनल स्पीकर। तो संदीप महेश्वरी अगर आप नहीं जानते तो जान लें, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर इन द वर्ल्ड। ओके, आप सब वैसे जानते होंगे मोस्टली, जहाँ तक मुझे आइडिया है। ओके, सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो, और वीडियो के बाद डिस्कशन करते हैं, इन बिटवीन कर लेंगे। इंस्पायरिंग वीडियो हो गया था वाकई। यस, लिंक डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो। सारी बातें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी है उसको आप वेरीफाई करो, जो भी सुना है समझा है उसको इससे रिलेट करो। एक है बिलीफ। बिलीफ क्या कहता है हमारा, जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड, क्या माइंड में बैठा हुआ है सबके, क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान है, है ना, और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं। Exactly. भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है, तू कृष्ण का भक्त है, अरे नहीं नहीं कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव। ये बहुत सिंपल लोग करते हैं। उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में, उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो, क्योंकि ये भगवान बेटर है। भगवान को भी मार्क्स दे दिए, 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। Exactly. भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी, होनी होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, दो बड़ी बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाए, दो भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ये दुनिया कहाँ जाएगी, ठीक है ना। तो भगवान एक ही है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, लव दिस मैन, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000। कुछ की बात छोड़ो, तू बता दो कितने को मानता है। भी मैं तेन उधर पहले पुरानी वीडियो भी चुकी दस भी रब एक ही है, मनने के तरीके अलग अलग है। नहीं तू जिथे भी लोग मत्था टेक दे टेक देता लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं वो हिंदू तू कह रहा था भी किन्ने भगवान है, मैं हाँ काउंट करके दस देता है। मेरे मुझे नहीं पता भाई, मैं नास्तिक हूँ गाइस, आई एम एथिस्ट। से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है वो तो हर कोई भी लिखा यार भगवान देख, हिंदू सिर्फ एक भगवान एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथियिज्म। पैंथियिज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है, आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। ओके, नाइस। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए, जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवा इम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। Okay, that's interesting. एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं
लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में, पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न च दीपा, जिसके मानी है उस भगवान उस खुदा का कोई भी रब नहीं है, उस खुदा उस भगवान का कोई भी वालदेन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना माँ है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतार उपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, भगवत गीता में भगवान का तस्वीर है पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में, All those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है, वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और guys, please don't say that. भाई, please don't say that. माँ, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है, वो बुत परस्ती करता है। बुत परस्ती मतलब? भगवत गीता में लिखा हुआ है। पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्ष नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म अंधकार में प्रविशंति दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा पानी आग, यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा पानी आग, और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे व्हाट डू यू थिंक, तुझे लगता है कि नहीं छोड़ मैं पालन करूँ, टेबल कुर्सी बुद्ध वगैरह, अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। So what do you think about this video? पता क्या यार, मैं सादा था, please सोच समझ के बोलना, मैं तो निचोड़ दाता। मेन गल क्या है, देख पता सारे नु ही है, पता सारे नु ही है, बेवकूफ कोई नहीं है, पता सारे नु ही है भी रब एक है। मेन गल क्या है, लोगों ने पूजने के तरीके ले लिया बनाए हुए, हूँ कोई मंदिर से जाके मूर्ति के सामने बैठ के वो रब की इबादत करता है ना, कोई मस्जिद से जाके करता, कोई गुरुद्वारे से जाके करता। मेन गल क्या है भी
ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਆ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀ ਦੇਖ ਓਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਅਗਰ ਮੂਵੀ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਮੂਵੀ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਅਗਰ ਮੂਵੀ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਭ ਇਸਕਾ ਸਸੁਰਾ ਨੇ ਛੋੜ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਵੈਨ ਯੂ ਡਾਇਲੌਗ ਕੌਨ ਸੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸੈਕਰੇਟ ਗੇਮ ਸਬਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਯੈਸ ਸੋ ਗਾਇਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਲ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।